धार महू लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर धार में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जहां एड़ी चोटी का दम लगा रही है, वहीं जिला प्रशासन ने भी शत प्रतिशत मतदान को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली है। धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री दी गई और उन्हें यहाँ से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन द्वारा मतदान कर्मियों को केंद्रों पर जाने से पहले प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही मतदान कर्मियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके भी बूथ केंद्रों पर खास व्यवस्था की गई। इस बार तहसील स्तर पर मतदान सामग्री वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां से मतदान कर्मियों को सामग्री प्रदान कर 2,240 मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। सुरक्षा दृष्टि से भारी पुलिस बल भी अन्य जिले से यहाँ बुलाया गया। मतदाता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसका भी इंतजाम किया गया। सभी को सामग्री वितरण हो गया है, सभी लोग यहाँ से चले गए, अपने अपने बसों में बैठ गए हैं। चार बसें रवाना हो गई हैं, बाकी एक घंटे के अंदर सभी लोग अपने अपने रवाना हो जाएंगे और एक डेढ़ घंटे के अंदर जो है अपने बूथ पर पहुंच जाएंगे। किस प्रकार की तैयारी जिला प्रशासन? जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हमने यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामग्री में सबको बिठा के दिलवाई है, टेबल पर बैठ के दिलवाई है। ठंडे पानी की व्यवस्था है, यहाँ कूलरों की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, टेंट की व्यवस्था की गई है छाया के लिए। बाकी जब बूथ की बात है, वहाँ मच्छरदानी, ठंडे पानी की व्यवस्था, छाया, टॉयलेट, आपके पंखे, कूलर, सभी व्यवस्थाएँ वहाँ की गई हैं। सर, सुरक्षा की यदि बात करें तो किस प्रकार की सुरक्षा? सुरक्षा के लिए तो पर्याप्त फोर्स है हमारे पास और हर मतदान केंद्र पर हम एक ड्रेस वाला फोर्स दे रहे हैं और बाकी हमारे कोटवार, होमगार्ड, ये भी साथ में लगे हुए हैं। मतदान को लेके हमारी तैयारी पूरी है। किस प्रकार से तैयारी करी आपने? हमने पूरे प्रशिक्षण लिए हैं, प्रशिक्षण में भी बहुत अच्छे से समझाया गया, हर चीज़ को बारीकी से बताया गया है, यहाँ तक कि हमें VVPAT, CU, BU सभी के ऊपर हैंड टेस्ट भी करवाए गए हैं, हैंड्स ऑन किए हम लोगों ने, और उसके जरिए अब हमें लगता है कि हमें इन मशीनों से डर बिल्कुल नहीं है। मतदान केंद्रों में व्यवस्था किस प्रकार की है? मतदान केंद्रों में व्यवस्था पूरी है गर्मी से बचने के लिए, साथ में महिलाओं के रुकने ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी है। ऐसा सुनने में आया है कि कूलर की व्यवस्था भी इस बार की गई है। पीने के पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था की गई है।